दोस्तों नमस्कार, मैं राजनीत कुमार एक बार फिर आपके सामने हूँ एक नई कविता के साथ। दोस्तों, इस भारतवर्ष को जोड़ने वाली बहुत सारी चीज़ों में हिंदी एक सबसे महत्वपूर्ण कारक है। ये हमारी अपनी भाषा है। ये भाषा लक्षद्वीप से लेकर लद्दाख तक, ये भाषा इंदिरा कोल से लेकर इंदिरा पॉइंट तक, ये कच्छ से लेकर कामरूप तक देश को एक सूत्र में, एक बिंदु में जोड़ती है। ये हमारी अपनी जन जन की भाषा है। ये किसी साम्राज्यवादी शक्ति के द्वारा थोपी हुई भाषा नहीं है। ये हमारी अपनी भाषा है, जन जन की भाषा है। सो चलते हैं आज की कविता की तरफ। आज की कविता है जन जन की भाषा। इसमें कोई गुप्त अक्षर नहीं, इसमें कोई गुप्त अक्षर नहीं, इसमें कोई गुप्त अक्षर नहीं, ना ही कोई लिखावट छोटी या बड़ी है। इसमें कोई गुप्त अक्षर नहीं, ना ही कोई लिखावट छोटी या बड़ी है। यह हमारी गौरव है और हमारी पहचान है। यह हमारी अभिव्यक्ति की कड़ी है। इसमें कोई गुप्त अक्षर नहीं, ना ही कोई लिखावट छोटी या बड़ी है। यह हमारी गौरव है और पहचान है। यह हमारी अभिव्यक्ति की कड़ी है। यह दिलों को दिलों से जोड़ती है। यह दिलों को दिलों से जोड़ती है। यह दिलों को दिलों से जोड़ती है, बनकर एक सेतु, बनकर एक पुल। यह दिलों को दिलों से जोड़ती है, बनकर एक सेतु, बनकर एक पुल। यह हिंद की सुंदर सी बेटी है, संस्कृत की बगिया की है एक फूल। यह दिलों को दिलों से जोड़ती है, बनकर एक सेतु, बनकर एक पुल। यह हिंद की सुंदर सी बेटी है, संस्कृत की बगिया की है एक फूल। स्पर्श करती है ये करोड़ों हृदयों को, स्पर्श करती है ये करोड़ों हृदयों को, स्पर्श करती है ये करोड़ों हृदयों को। हर रोज कई होठ इसे गुनगुनाते हैं। स्पर्श करती है ये करोड़ों हृदयों को, हर रोज कई होठ इसे गुनगुनाते हैं। कभी गीत बना के, कभी संगीत बना के लोग इसे कहते, गाते, सुनते, सुनाते हैं। यही वो पहली भाषा थी जिसमें, यही वो पहली भाषा थी जिसमें, यही वो पहली भाषा थी जिसमें, जिसमें माँ ने बचपन में लोरी गाई थी। यही वो पहली भाषा थी जिसमें, जिसमें माँ ने बचपन में लोरी गाई थी। वीर अर्जुन और श्री कृष्ण की कहानियाँ जिस भाषा में माँ ने मुझे सुनाई थी। यह जन जन की अपनी भाषा है, यह जन जन की अपनी भाषा है, यह जन जन की अपनी भाषा है, ऐसी जिसके माथे पे बिंदी है। यह जन जन की अपनी भाषा है, ऐसी जिसके माथे पे बिंदी है। यह हमारी गौरव और पहचान है। हिंद की अभिव्यक्ति हिंदी है। यह जन जन की अपनी भाषा है, ऐसी जिसके माथे पे बिंदी है। यह हमारी गौरव और पहचान है। हिंद की अभिव्यक्ति हिंदी है। दोस्तों, ये मेरी कविता है। प्लीज मुझे बताइएगा आपको ये कविता कैसी लगी। इस कविता को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, इस पे कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि अगली बार जब मैं नई कविता अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। प्लीज बताइएगा आप अपने दिन प्रतिदिन के कार्यों में हिंदी का कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे उपयोग करते हैं। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।